और भारतीय सेना और रॉयल ओमान की सेना के बीच हुए साझा युद्ध अभ्यास का समापन हो गया है। 14 दिनों तक चले साझा युद्ध अभ्यास में दोनों ओर के सैनिकों ने एक दूसरे को कई गुर सिखाए। मकसद था दोनों देशों के बीच दूरियों को कम करना और आपसी भाईचारे को बढ़ाना। न तो किसी दुश्मन देश ने हमला किया है, न ही ये आतंकवादी हमले का जवाब है। ये एक छद्म युद्ध है भारत और रॉयल ओमान के बीच। हिमाचल के डलहौजी में भारतीय सेना और रॉयल ओमान की सेना ने साझा युद्धाभ्यास किया। इस दौरान दोनों तरफ के सैनिकों को एक दूसरे से युद्ध और आतंकवाद से जुड़े गुर सीखने का मौका मिला। हिमाचल के डलहौजी की बकलोह छावनी में मेजर जनरल नवीन कुमार एरी और ओमान सेना के कैप्टन सुलेमान एली अबू साइदी की देखरेख में संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। बेसिकली ये एक तरीके का फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए है, और जैसे कि ओमान के ब्रिगेडियर साहब ने बताया, वो चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी और बढ़े, जिससे कि हम आपस से सीखें और इस कोऑपरेशन को और आगे लेके जाएं। भारत और ओमान के बीच 6 मार्च को शुरू हुआ साझा युद्धाभ्यास 19 मार्च तक चला। 14 दिनों तक चले संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में रणनीति साझा की। इस दौरान सेनाओं ने आतंकी घटना और दूसरे हमलों के हालात में ऑपरेशन को अंजाम देने और हालात पर काबू पाने की कला सीखी। दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी कुशलता का प्रदर्शन भी किया, और हम एक दूसरे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सीखते हैं आपस में। जो उनका अच्छा है हम अडॉप्ट करते, जो हमारा अच्छा है वो अडॉप्ट। हमने इस एक्टिविटी में हमने ये दिखाया गया थे बेसिक एक्सरसाइज जो थी कि एक टेररिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिलने पे कैसे राउंड करके मारना है। इस अभ्यास को कई हिस्सों में बांटा गया। सांस्कृतिक नृत्य और कराटे का प्रदर्शन भी खास रहा। भारत और ओमान के बीच बेहतर रिश्ते बनाने और भाईचारा बढ़ाने के मकसद से किया गया ये साझा युद्धाभ्यास सफल रहा।